मई 1916 को स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। बहुत से लोगों ने भले ही श्रीदेव सुमन का नाम ना सुना हो, लेकिन उनका बलिदान भगत सिंह के बलिदान से कम नहीं है, इसलिए उन्हें गढ़वाल का भगत सिंह भी कहा जा सकता है। टिहरी रियासत की राजशाही के जुल्मों के खिलाफ लड़ने वाले सुमन को 1943 में जेल में डाल दिया गया था। फिर झूठे गवाहों के जरिए उन पर मुकदमा चलाया गया। 28 वर्ष की उम्र में जनता के लिए प्रजा मंडल की स्थापना की मांग करने के कारण श्रीदेव सुमन को अपनी ही रियासत के राजाओं द्वारा प्रताड़ना और क्रूरता पूर्ण शोषण का सामना करना पड़ा। सुमन को 1943 में जब जेल में डाला गया, तब भी उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुमन सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे। अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। श्रीदेव सुमन चाहते थे कि उनकी बात राजा तक पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीदेव सुमन ने विरोध स्वरूप 3 मई 1944 से अपना ऐतिहासिक अमरण अनशन शुरू किया। इस बीच उन पर कई तरह के अत्याचार हुए, लेकिन सुमन अडिग रहे। लेकिन जेल में प्रताड़नाएं झेलते झेलते आखिरकार 25 जुलाई 1944 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्रीदेव सुमन का यह बलिदान न केवल टिहरी की राजशाही के अंत का कारण बना, बल्कि उनके बलिदान से देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुंदरलाल बहुगुणा के प्रेरणा स्रोत भी श्रीदेव सुमन ही रहे। हर वर्ष 25 मई को श्रीदेव सुमन की जयंती सुमन दिवस के रूप में मनाई जाती है। 25 मई 1886 को क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल में हुआ था। रास बिहारी बोस बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए और पूरा जीवन ही देश की आज़ादी को समर्पित कर दिया। उनका गदर योजना, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जैसे कई उल्लेखनीय कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जापान में रहकर भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार काम किए। बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख बनाया था। ऐसा माना जाता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग की हत्या के असफल प्रयास के बाद लाला लाजपत राय के कहने पर रास बिहारी बोस जापान गए थे। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का काम किया। न्यू एशिया नामक समाचार पत्र शुरू किया और जापानी भाषा में 16 पुस्तकें लिखीं। मार्च 1942 में टोक्यो में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। यहीं से आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई थी। 21 जनवरी 1945 को रास बिहारी बोस का निधन हो गया था। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्गम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य, पीएचडी एमफिल करें अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य, पीएचडी एमफिल करें अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भविष्य को लेकर परेशान है? आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी है इसका हल। पीएचडी एमफिल किसी भी विषय में, डिप्लोमा के अनेक अवसर है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। एडमिशन्स ओपन। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ग्लोरिफाइज नेशन। 25 मई 2022 को जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख बारामूला इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में बलिदानी हो गए थे। आतंकी उस दिन अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए लोगों को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन मुदस्सिर अहमद ने उनकी इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। घायल होने के बावजूद मुदस्सिर आतंकियों से मुकाबला करते रहे,
लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस ऑपरेशन में मुदस्सिर अहमद ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुदस्सिर अहमद शेख को अपने इलाके में बिंदास नाम से जाना जाता था। उनकी याद में बारामूला में बिंदास चौक की स्थापना की गई है। 25 मई 1915 को गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गुजरात में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। इस आश्रम को गांधी का घर कहा जाता है। यहाँ वे रहते थे और आसपास खेती बाड़ी और पशुपालन जैसी चीजें किया करते थे। 1930 तक गांधी का घर साबरमती आश्रम ही था। इसी आश्रम से स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी। 1930 में गांधी ने साबरमती आश्रम से ही दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। साबरमती से दांडी पहुंचकर गांधी ने खुद अंग्रेजों का काला नमक कानून तोड़ा था। क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता देख अंग्रेजों ने सभी सत्याग्रहियों को जेल में डालकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके बाद गांधी ने कहा कि साबरमती आश्रम भी जब्त कर लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। गांधी ने फिर यह शपथ ली थी कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा तब तक वे इस आश्रम में कदम नहीं रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके कुछ महीनों बाद यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई। इस तरह से गांधी कभी भी साबरमती आश्रम लौट नहीं पाए। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित 33 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार इस हमले का मुख्य टारगेट महेंद्र कर्मा थे। सालवा जुडुम का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। सालवा जुडुम छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के शरीर पर करीब 100 गोलियां दागी थी। ये घटना 2013 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। वहीं 2024 में एक बार फिर यह घटना चर्चा में है। इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार झीरम की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। दरअसल ये वारदात झीरम घाटी के पास हुई थी, इसीलिए इसे झीरम घाटी हत्याकांड भी कहा जाता है।